आंखों के विभिन्न रोगों की जांच जैसे मोतियाबिंद आदि की चिकित्सा एवं ऑपरेशन निःशुल्क वरिष्ठ अनुभवी नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर विशाल स्नेही और उनके सहयोगियों के द्वारा किया गया। इस मौके पर अयाना थाना प्रभारी प्रहलाद सिंह, पूर्व पंचायत समिति डायरेक्टर राजेंद्र थाकड़, गांव के गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। पूजा अर्चना करके रोगियों का उपचार भी किया गया। शिव प्रकाश स्नेही की 80वीं जयंती के उपलक्ष्य पर कुल मरीज 110 देखे गए हैं। इन्हें मोतियाबिंद ऑपरेशन, सिवर लेंस प्रत्यारोपण ऑपरेशन किया गया। R9 भारत के लिए योगेश कवाल, कोटा, राजस्थान। रेस्टोरेंट ब्लॉक अकलेरा के द्वारा CBEO अकलेरा को SMC रजिस्ट्रेशन में फर्जीवाड़ा संबंधित ज्ञापन दिया गया है। ब्लॉक अध्यक्ष नरेश कुमार मोटिस द्वारा बताया गया कि ब्लॉक में हनुमानगढ़ से SMC रजिस्ट्रेशन हेतु जितेंद्र कुमार व उसके अन्य साथियों के साथ मिलकर PEO के अधीनस्थ विद्यालय के संस्था प्रधानों को PEO द्वारा बुलवाकर SMC रजिस्ट्रेशन के नाम पर 2,000 रुपए लिए गए और उसके द्वारा जो रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र दिया गया वह भी फर्जी पाया गया। ज्ञापन के दौरान ब्लॉक अध्यक्ष नरेश कुमार मोटिस व कोषाध्यक्ष जीत मल गोरिया खेरा, प्रवक्ता मुकेश बासोदिया, महामंत्री द्वारलाल मीना, सभा अध्यक्ष इरफान अली, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश मीना व अन्य सदस्य रामविलास मीना, बाबूलाल बैरवा, हरिप्रसाद मीना, पंकज कुमार छिपा इत्यादि लोग मौजूद रहे। R9 भारत के लिए भगवान सिंह राजावत, अकलेरा, राजस्थान। शहर के समीपवर्ती बगदर गांव में अचानक संतरे के झाड़ में आग लग गई, जिससे नगर पालिका के दमकल द्वारा फायरमैन सलाउद्दीन व सह संचालक अंकित द्वारा 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बगदर के यह खेत जिस पर आग लगी, पूर्व जिला प्रमुख स्वर्गीय सुजान सिंह गुर्जर के बताए जा रहे हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं लग पाया। R9 भारत के लिए अजय भारत, झालरापाटन, राजस्थान। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रत्येक हिंद वेलफेयर सोसाइटी ने फरिश्ता बनकर कस्बे वासियों की मदद की है। मिसाल पेश करते हुए हिंद वेलफेयर सोसाइटी का एक पूरा वर्ष होने पर समिति अध्यक्ष सलाम भाई सुन्नी, राजा भाई मनीष सोनी व सदस्यों के नेतृत्व में वर्षघाट समारोह का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि हाजी गफूर भाई व मांगीलाल मार साहब, विशिष्ट अतिथि मुश्ताक भाई, BBC हाजी याकूब भाई व रमेश चंद्र शर्मा मौजूद रहे। कार्यक्रम में सभी अतिथियों का समिति के सदस्यों के द्वारा माला व साफा बांधकर स्वागत किया गया। इसके बाद कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने सदस्यों को गुलदस्ता भेंट कर वर्षघाट की बधाइयां दी। हुसैन भाई किजियन ने मंच के माध्यम से समिति के बारे में बताते हुए कहा कि कोरोना काल में पिछले वर्ष लगे लॉकडाउन में इस समिति का आगाज हुआ। समिति ने इस दौर से ही गरीबों की काफी मदद की है और खाने के साथ साथ पेंशन जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई हैं। ये सोसाइटी एक ही साल में ऐसा महसूस करने लगी है कि जैसे इस काम को हमें भी जुड़ना चाहिए, हमें भी इस काम में आगे इसके साथ और मेहनत करके इस क्रम को और आगे बढ़ाना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि हर मजहब, हर धर्म का एक ताना बाना होता है और धार्मिक व्यवस्थाओं को अगर देखते हैं तो उसका एक दायरा भी होता है, हर मजहब का एक सरहद भी होती है, एक सीमाएं भी होती है। उन सब दायरों को जो व्यवस्थित धार्मिक व्यवस्था के हिसाब से बनाई गई है हमारे बुजुर्गों ने, उन सबसे ऊपर होकर, उन सबसे ऊपर होकर आज हमारे सुकेत के तमाम हिंदू भाइयों ने, तमाम मुस्लिमों ने मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर एक जगह इकट्ठे होकर ये जो उपज दिमाग में सोची है कि हम ऐसा मजहब क्यों नहीं बनाए जिसका नाम इंसानियत है, और इंसानियत के इस मजहब को उन्होंने शुरू किया। आज इसमें कोई शक नहीं कि हम ये जो घटना यहाँ पे हुई है, हमने जो मिलकर ये क्रम जो यहाँ पे शुरू किया है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कई जगह हिंदू और मुसलमान मिलकर के अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन आज के इस जहरीले दौर में, आज के इस सियासी दौर में और खास तौर से हमारा कस्बा जो सेंसिटिव पूरी तरह से रिकॉर्ड में सरकारी कागजों में लिखा गया है, ऐसी जगह पर हम ऐसी शुरुआत करके और इस काम को अगर कर रहे हैं तो इससे बेहतर लोग, इससे अच्छे लोग मुझे नहीं लगता कि कहीं दूसरी जगह मिलेंगे। R9 भारत के लिए मोनू मस्तान, कोटा, राजस्थान।